94 से मैंने शुरू करा था ये जो मोमो है। हमारा गांव में ऐसे मोमो मेन चीज होते हैं। 3-4 साल करीब मैंने कहीं कोठी में काम करा, कई ही जगहों में काम करा, लेकिन कभी सक्सेस हुआ नहीं है, बहुत मुश्किल हुआ था। उसके बाद में मैंने मोमो शुरू करा। मेरा दिमाग में आया कि ये मोमो बेचेगा तो यहाँ दिल्ली में मोमो बेचेगा तो चल जाएगा, तो मैंने शुरू करा। जब मैं मार्केट का अंदर जैसे एंट्री हुआ, उस टाइम पर मेरे को हिंदी भी बोलने नहीं आता था और कोई जानता भी नहीं था, तो मैंने किसी से पूछ के मैंने बोला कि यहाँ मेरे को मोमो लगाना। वो लोग पूछता था कि मोमो क्या होता है, मैंने बोला हमारा समोसा की तरफ होता है, जैसे उस टाइम पर समोसा फ्राई होता था। फिर उन्होंने बोला कि चलो लगा लो, कैसे होता आप लगा लो। फिर मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे जैसे सेंटर मार्केट में आई हूँ, तब लोग बोलते कि ये क्या बेच रहे हैं। बाकी पूछता था तो ये तो कौन खाएगा, ये तो पका ही नहीं है, जैसे स्टीम होता था पका ही नहीं है। मैंने बोला फिर भी आप एक बार खाइए तो अच्छा लगेगा, स्टीम तो और हेल्थी है, अच्छा है। 5-6 साल के बाद में मोमो ऐसे लोग को पसंद आने लग गया, आजकल गली गली में भी मोमो है। जैसे मेरा जो मोमो है वो, और जैसे कि दिल्ली में कहीं जगह में आजकल मोमो मिल रहा है, कस्टमर बोलते हैं ये दोनों में, आपका मोमो और उनके मोमो में बहुत फ़र्क है। एक तो मेरा मोमो में एक मतलब जो लहर है, जो मैदा का जो लहर है, वो मैं बहुत पतला से बनाती हूँ, और एक स्पेशल चटनी के लिए है, लोग बहुत पसंद करते हैं ये जो चटनी दोनों मिक्स करके। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कई किस्म के लोग हैं, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेज है, इसीलिए मैंने वेज अलग बनाया, चिकन अलग बनाया।